डॉग आ गया इजा। Assalamualaikum everyone, welcome to Anika's World. Hope you all are good. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 3 to 4 मंथ्स के बेबी को खाने पीने में क्या देना चाहिए। मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, लोग बार बार यही बात पूछते हैं कि मेरा बेबी 3 मंथ्स का है, मैं उसको खाने में क्या दूं, मेरा बेबी 4 मंथ्स का है, मैं इसको खाने में क्या दूं। तो इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जो मैंने 5 to 7 मंथ्स बेबी की ईटिंग रूटीन आपके साथ शेयर की है, उसमें मैंने गाइड सारा किया था कि आपने किस एज में बेबी को क्या देना है। तो जो लोग मेरे से पूछते हैं कि 3 मंथ्स का बेबी है उसको खाने में क्या दूं, 4 मंथ्स का बेबी है उसको खाने में क्या दूं, तो आपको क्या हो गया है, सारी जिंदगी पड़ी है खाने के लिए, बेबीज ने खाना ही है माशाल्लाह से, आगे पूरी लाइफ पड़ी है खाने के लिए। जो 3 मंथ्स का बेबी होता है या 4 मंथ्स का बेबी होता है ना, उसकी जो खुराक की नाली होती है ना या उसकी जो सांस की नाली होती है, ये अभी इतनी डिवेलप नहीं हुई होती, उसका स्टमक जो है वो इतना डिवेलप नहीं हुआ था, इसलिए बेबी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो अगर आप 3 या 4 मंथ्स के एज में बच्चे को खाना पिलाना स्टार्ट कर देंगे तो उसके गले में अटक जाएगा और वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर दे, उसका पेट खराब हो जाए, तो फिर और मसले मसाइल हो जाते हैं। इसी वजह से डॉक्टर मना करते हैं कि आप 6 मंथ्स तक बेबी को कुछ भी ना दें, 6 मंथ तक जस्ट मदर फीड करवाएं या फॉर्मूला मिल दे। जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है तब डॉक्टर कहते हैं कि उसको सॉलिड स्टार्ट करवाया जाए। सॉलिड में भी क्या होता है, कस्टर्ड होता है, फिर उसके बाद दलिया स्टार्ट किया जाता है और सीरियलैक स्टार्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम डॉक्टर की मान के 6 मंथ का वेट करते रहें तो उससे क्या होता है, बेबी बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता। मतलब जब 6 मंथ का बेबी होता है तब हम उसको दलिया वगैरह देना या कस्टर्ड वगैरह देना स्टार्ट करवाते हैं तो बेबी खा नहीं रहा होता। हमें ये इशू आता है कि बेबी खा क्यों नहीं रहा, वो 6 मंथ का हो गया लेकिन नहीं खा रहा। तो इससे क्या होता है, जब बेबी 3 मंथ का हो जाता है, आपको बहुत शौक है 3 मंथ में 4 मंथ में बेबी को खिलाने का, तो आपने क्या करना है, जब आपका बेबी 3 मंथ क्रॉस कर लेते हैं या 4 मंथ का हो जाता है, तो आप जो लिक्विड चीजें खा रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कस्टर्ड खा रहे हैं या कोई सालन वगैरह खा रहे हैं, तो उसको हल्का सा फिंगर पर टच करें और बेबी को इस तरह से आपने चटा देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ना तो बेबी के गले में अटकेगा, ना ही उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने बिल्कुल हल्का सा उसको जस्ट चटाना है। इससे क्या होगा, बेबी का जो टेस्ट है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप हो जाएगा और 6 मंथ जाने तक ना बेबी खाना पीना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे जी मैं आपको एग्जांपल देती चलूँ कि आप क्या क्या चीजें बेबी को खिला सकते हैं जब वो 3 या 4 मंथ का है। तो इस तरह से जैसे आप कोई केक खा रहे हैं तो वो थोड़ा सा उसको टेस्ट के लिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और बेबी के मुंह में डाल देना है ताकि उसको टेस्ट डिवेलप हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं आपने खिलाना, 1 या 2 बाइट्स खिलानी है, जिस तरह से मैं ईसा को खिला के आपको दिखा रही हूँ। फिर उसके अलावा आप नगेट्स ले सकते हैं। नगेट्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना वो क्रिस्पी होता है, वो नहीं आपने देना, अंदर से जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है वो आप निकाल के बेबी को खिला सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा। फिर उसके अलावा फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, तो 3-4 मंथ्स के बेबी को जस्ट आप मैंगो दे सकते हैं, उसके अलावा आप वाटरमेलन दे सकते हैं। बेबीज की एक पेसिफर भी आता है चूसनी जिसको बोलते हैं, जो फ्रूट्स वाली होती है, उसमें फ्रूट्स का एक पीस डाल दें और बेबी उसको सक कर करके खा लेगा, या आप इस तरह से भी खिला सकते हैं मैंगो। इसके अलावा बेबी को आप खुबानी या आलू बुखारा भी दे सकते हैं, इससे क्या होगा कि बेबी को आहिस्ता आहिस्ता फ्रूट्स का भी टेस्ट डिवेलप हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपके साथ ईटिंग रूटीन शेयर की थी उसमें मैंने बोला था कि आप 5 मंथ्स के बेबी को कस्टर्ड वगैरह देना स्टार्ट कर सकते हैं, सीरियलैक देना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपने क्या करना है, एकदम से बहुत ज्यादा उसको जबरदस्ती नहीं खिलाना। बच्चे के साथ कभी भी जबरदस्ती ना किया करें, जैसे कि समर सीजन है तो बच्चों का वैसे भी पेट वगैरह भी खराब होता रहता है, तो आपने जब स्टार्ट करवाना है आपने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी देनी है, चाहे वो 1 स्पून खाए 2 स्पून खाए, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ना बेबी की खुद ही उसकी जो डाइट है ना वो इंक्रीज होती जाती है, वो ज्यादा खाना स्टार्ट कर देता है। तो आपने एकदम से बहुत ज्यादा नहीं खिलाना, इससे क्या होगा बेबी का पेट खराब हो जाएगा, वो मोशन स्टार्ट कर देगा या वॉमिटिंग स्टार्ट कर देगा।
तो उससे क्या होगा, बेबी का वेट बढ़ने की बजाय कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जब बेबी 0 to 6 months तक होता है तो यही कहा जाता है कि बेबी को ज्यादा से ज्यादा मदर फीड करवाया जाए। और मदर फीड का क्या होता है कि मदर जो खाती है ना वो बेबी को लगता है, मतलब मदर जो अच्छी डाइट ले रही होती है ना वो बेबी को लगती है। तो इसलिए जब आपका बेबी 3 months का है, 4 months का है, 5 months का है, तो उसको आप मदर फीड दे रहे हैं। मैंने मदर फीड पे जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि आपने अपनी डाइट बहुत 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 अच्छी रखनी है। मदर जो होती है उसने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, क्योंकि उसने जो खाना पीना है ना वही बेबी को मिलना है। और इसके अलावा मैं बात करूंगी कि जब बेबी छोटा होता है ना, जब बेबी पैदा होता है तो उसको कॉलिक इश्यू बहुत ज्यादा रहता है। और ये भी कहा जाता है कि क्योंकि वो मदर का फीड कर रहा है तो मदर पराठा ना खाए, मदर ये ना खाए, मदर वो ना खाए, क्योंकि उससे क्या होता है बेबी को गैस हो जाती है, बेबी को कॉलिक इश्यू हो जाता है। तो वो हर बेबी को होना ही होना होता है, क्योंकि बेबी जो होता है वो भी बहुत छोटा होता है। जब वो मदर के पेट में होता है तो वो डायरेक्ट मदर से अपनी डाइट ले रहा है, लेकिन बाहर आके उसने मिल्क भी खुद पीना है तो उसको डाइजेस्ट करने में देर लगती है। तो इस वजह से बच्चों को कॉलिक इश्यू रहता ही है। मदर जो खा रही है ना उससे बेबी के पेट में दर्द नहीं हो रही, इसलिए मदर ने सब कुछ खाना है, मदर ने पराठा भी खाना है। और इस बात पे मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देती चलूं कि जब हमारी मदर्स के जमाने से भी, जब चिले में मदर होती है, जब बेबी की बर्थ होती है, तो जो ड्राई फ्रूट्स का बनता है, जिसको आम लफ्जों में छवाना कहते हैं, जिसको ड्राई फ्रूट सारे लेके उसको देसी घी में बना के हमारी मम्मास देती हैं हमें, तो वो इतने टाइम से चलता आ रहा है कि मदर्स को वो खिलाया जाता है। तो अगर मदर की डाइट से बेबी को कॉलिक इश्यू होता होता ना, तो हमारी मदर्स या हमारी नानियां दादियां हमें वो छवाने बना बना के ना खिलाती। तो इस वजह से जो मदर डाइट ले रही होती है ना उससे बेबी को कॉलिक नहीं हो रहा होता, बेबी को वैसे ही प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उसने बाहर आके एकदम से खुद खाना पीना स्टार्ट करना है, तो इस वजह से उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इस वजह से उसको कॉलिक इश्यू रहता है। तो उसके लिए कॉलिक ड्रॉप्स आते हैं, वो आप बेबी को दे सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना उससे बेबी को इश्यू हो रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा। आपने अच्छी डाइट लेनी है, कीमा खाना है, मटन वगैरह खाना है, सब कुछ खाना है, आपकी जो डाइट है वही बेबी को लगनी है। और इसके अलावा मैं आपको यही कहूंगी कि जब आपका बेबी 3 या 4 months का होता है तो आप जो भी खा रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा चटाते जाएं। अगर आप कोई फ्रूट ले रहे हैं तो ठंडा नहीं होना चाहिए बस फ्रूट, या कोई भी आपने आइसक्रीम वगैरह नहीं बच्चे को खिलानी, बस थोड़ा सा जो भी फ्रूट है वो आप बेबी के मुंह में डाल दें, उसको थोड़ा सा टेस्ट जाए, हर चीज उसके थोड़ा थोड़ा मुंह में डालते जाए ताकि उसको ना टेस्ट डिवेलप हो जाए। फिर जब बेबी 5 months का हो जाएगा ना, 4 months क्रॉस कर लेगा ना, तब भी आप उसको सीरिलैक वगैरह दे सकते हैं पतला सा बना के पानी के अंदर। और फिर उसके बाद आपने क्या देना है उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, जो मैंने 5 to 7 months के बेबी की ईटिंग रूटीन शेयर की है, तो वो आप वहां पे देख सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बेबी होता है उसको क्या क्या देना है। और इसके अलावा अगर आपको और प्रॉब्लम हो रही है, आपके और क्वेश्चन है, तो मैंने 0 to 6 months के बेबी की भी वीडियो बनाई हुई है, जिसमें बेबी की फर्स्ट अजान से लेके उसकी एंड तक सारी चीजें हैं कि किस तरह बेबी की केयर करनी है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।